अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोग, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? सिंह जवाब दिया करो, मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात सो ना सका और ठीक नहीं हूँ। मेरा इन मच्छरों से एक सवाल है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ये आप लोगों को क्या मिलता है, ये जो इधर इधर आके बंग 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 करते हो, क्या मिलता है आपको? यार आप कुछ खून चूसना है ना, काटना है ना, तो हाथ पे काट लो, कहीं और जगह पे काट लो, पाँव पे काट लो, कहीं पर भी काट लो। ये कान में आकर बंग 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 वाली क्या बेगैरती है? खुदा का खौफ करो यार। इन मच्छरों से एक रिक्वेस्ट है, सही है? मैं सोता हूँ कमीज उतार कर, मैं सोता हूँ, सही है? तो सारा हाथ और सारी बॉडी आपके लिए हाजिर। लेकिन एक प्रॉमिस आपको करना होगा मेरे साथ, कि यहाँ पे आके ये बेगैरती ना करें। नहीं, आप लोग सही है, खून चूसना है चूस लो। यहाँ पे आपको आके बंग बंग करने से क्या मिलता है यार? और दिन में ये मक्खियाँ यहाँ पे आके उनका काम होता है बड़ा, यहाँ पे आके। तो जैसे ही इस तरह उसको पकड़ने की कोशिश करो, फिर भाग जाते हैं। जैसे ही हम वापस सो जाते हैं, फिर से इधर इधर आके, यहाँ तक। तो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो मतलब। और ये बेगैरत पकड़े भी नहीं जाते ना इतने आसानी से। वो लोशन लगा लो ना, लोशन वो मच्छरों वाला, तो फिर नहीं काट सकते ये बेगैरत। लेकिन यहाँ पे आके ये बेगैरती इन्होंने ज़रूर करना। मेरा बस चलता ना, तो एक बड़ा सा गुब्बारे में सारे मच्छरों को उसमें डालकर, उसमें गैस भर के, उसके नीचे तार को लटका के, उसको आग लगा के हवा में छोड़ दे, और ऊपर जाके द्रुज। तो ये इनके साथ सही इंसाफ होगा। मैं बचपन में जब मक्खी को पकड़ता था, तो उसके कभी सारे पैर काट देता था, या तो उनके पर काट के जहाँ पे ज़्यादा चींटियाँ होती थी ना, मैं वहाँ पे रख देता। तो उनके साथ सही इंसाफ होता, फिर चींटियाँ उसको खींच खींच के ले जाती थी, मुझे बड़ा सुकून मिलता था। क्या आप भी ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम करते हो? करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। हमें इतना तंग करते हैं, तो हमें भी तो ऐसा करना तो बनता है ना, क्या समझे? सही कहा ना, सही। और आपको पता है, मैं बचपन में चींटियों की हेल्प भी करता था। किस तरह करता था? जब वो दीवार पे चढ़ते थे ना, तो मैं उनको पकड़ कर सही ऊपर ले जा कर छोड़ देता था वहाँ पे, और उसे कहता था कि चलो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। अच्छा, तो मच्छरों भाइयों, मजाक कर रहा था, सही है, दिल पे ना लेना, मजाक कर रहा था, सही है, सही है। अच्छा, तो ये बातें मैंने इसलिए की है कि आपके लाइफ में मतलब जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही हो, इश्यूज हो, बुरा वक्त हो, तो आप लोग थोड़ा वक्त के लिए सही उसे भूल जाएं, और मेरे इन बातों पर थोड़ा सा गौर करें। होते हैं यार, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी पर बुरा वक्त आता है, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा सैड रहे, गम में रहे, और खुशी ना हो। नहीं, देखो खुशी में तो सभी खुश रहते हैं, सही है, खुशी में तो सब खुश रहते हैं। कमाल तो ये है कि बंदे के इर्द गिर्द बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हों, उसको बुरे वक्त में घेरा हुआ हो, वो फिर भी हंसे और लाइफ को इंजॉय करे, तो कमाल ये होता है। और वैसे भी दुनिया नहीं है, ये सुकून के लिए नहीं है। यहाँ पे सुकून तुम्हें खुद तलाश करना होगा, यहाँ पे तुम्हें खुद को खुश करना होगा। सॉरी, मेरी ज़ुबान थोड़ी अटकती है, तो इग्नोर करना। तो हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो ये दुनिया सुकून के लिए है ही नहीं। तो मुश्किलात आएंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। यानी ये दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। यानी
यह दुनिया काफिर के लिए ही जन्नत है, सही है, काफिर के लिए जन्नत है, आखिरत में तो काफिर का मोए मोए होने वाला है। तो हमारी तो 4 दिन की कैद है, सही है, और इस कैद में अगर कोई खुश रहना चाहे ना तो खुश रह सकता है, ये आपके आपके बस में है। जो बुरा वक्त चल रहा है ना उसके बारे में ना सोचो, वो बुरा वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में आखिरी पारे में सूरह इंशराफ में फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी यसरा, इन्न मअल उसरी यसरा, बस हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला इसमें जो ये इन्ना का लफ्ज़ है ना, ये सारे जो डाउट होते हैं ना उसको निकाल देते हैं, यानी बेशक। और अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा फरमाया फ़इन्न मअल उसरी यसरा, इन्न मअल उसरी यसरा, 2 दफ़ा फरमाया, यानी हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी आने वाली है, तो उसका वेट करें, सही है, समझे कि नहीं समझे, समझा करो। तो आप लोगों ने नोटिस किया मेरे कपड़े चेंज हो गए तो मैं जैसे मैंने वो हदीस सुनाया अदुनिया सुजनुल व जन्नतुल काफिर, तो वहाँ से अम्मी ने आवाज़ दी कि आके नहा लो, तो मैं नहा के वापस आया। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस वीडियो में तो मैं इंसान हूँ, गलती सबसे होती है, सही है, सही है, तो इग्नोर कर देना गलती समझ के, बाकी खुश रहा करो, सही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, सही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जाओ।